टीवी के मशहूर हास्य धारावाहिक भाभी जी घर पर हैं के टाइटल से बन रहे निर्माता प्रदीप सिंह और प्रतीक सिंह की फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है। यानी फिल्म भाभी जी घर पर हैं की शूटिंग इन दिनों जोर शोर से चल रही है। यह फुल फ्लेज फीचर वाली फिल्म होगी और इसका निर्देशन अजय कुमार झा कर रहे हैं। फिल्म की थीम सामाजिक और पारिवारिक हास्य व्यंग के साथ ताबड़तोड़ मनोरंजन देने वाली है। फिल्म के निर्माता प्रदीप सिंह ने बताया कि फिल्म भाभी जी घर पर है एक स्वस्थ मनोरंजन वाली फिल्म होगी। इसका निर्माण बड़े लेवल पर कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह फिल्म दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेगी और फिल्म के साथ दर्शक खुद को कनेक्ट भी कर पाएंगे। गीत संगीत भी फिल्म में बेहद ही खास होने वाले हैं। ऐसी फिल्में भोजपुरी सिनेमा के ग्राफ को बढ़ाने वाली होती हैं। हमारी कोशिश है कि फिल्म दर्शकों को पसंद आए, क्योंकि हम दर्शकों के लिए ही फिल्में बना रहे हैं। उन्होंने फिल्म की कास्ट के बारे में बताया कि फिल्म भाभी जी घर पर है में रिंकू घोष, देव सिंह, गौरव झा और संचिता बनर्जी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म के सेट पर रिंकू घोष ने बताया कि एक अच्छी कहानी वाली फिल्म कलाकारों को अपनी ओर खींच ही लाती है। यही वजह है कि आज मैं इस फिल्म में हूँ। मैं अपने स्वाभाविक अंदाज में अपने किरदार को निभा रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को यह खूब पसंद आने वाली है। वहीं अभिनेता गौरव झा ने कहा कि फिल्म रोचक है और यह करने के लिए मैं पहले दिन से ही उत्साहित था। अब फाइनली फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। यह फिल्म दर्शकों का दिल जीतने वाली है, यह मेरी दिल की फीलिंग्स कहती हैं। देव सिंह ने भी फिल्म की तारीफ की और कहा कि मुझे अलग अलग पटकथा वाली फिल्म को पर्दे पर जीने में मजा आता है। इस फिल्म में भी मेरा किरदार अलग और जानदार होगा। अभी तो हम सभी फिल्म की शूटिंग एंजॉय कर रहे हैं। फिल्म भाभी जी घर पर है के सेट पर संचिता बनर्जी ने भी अपनी खुशी को जाहिर किया और कहा कि मजेदार फिल्म और जिंदा दिल स्टार कास्ट आपको प्रेरणा देते हैं कि जिससे आप दुगनी एनर्जी के साथ काम करने लग जाते हैं। मैं भी फिल्म में अपना 100% दे रही हूँ, बाकी दर्शक मालिक हैं। आपको बता दें कि वर्ल्ड वाइल्ड फिल्म प्रोडक्शन के बैनर में बन रही फिल्म भाभी जी घर पर है के निर्माता प्रदीप सिंह और प्रतीक सिंह और निर्देशक अजय कुमार झा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार अपडेट।